If you ask me my percentage in 10 boards, it is 94, and I am fully satisfied with it, whether you consider it a high score or a low score, because I only know the amount of hard work I did. Well, I could have done much, much better, is what most people say. But you still have a chance to prove yourself. People will only be asking your 10th percentage, is what teachers tell you. But once you come in 11th, they say 10th percentage is useless. Because for students, 11th is a disaster. अब क्योंकि आप 10th में आ चुके हैं तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि 90 अबव परसेंटेज कैसे स्कोर करते हैं. वैसे एक बात बोलूँ, 10th में परसेंटेज लाना इज़ अ पीस ऑफ केक. सो इन दिस वीडियो आई एम गोना टेल यू अबाउट द स्ट्रेटजीज एंड टिप्स टू स्कोर अबव 90 इन योर 10 बोर्ड एग्जामिनेशंस. मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन 10th क्लास इज नोट मेकिंग. अब बहुत सारे बच्चे यह करते हैं, एक दूसरे के नोट्स मांग लेते हैं और खत्म बात. बट हाउ कैन यू एक्सपेक्ट लर्निंग समथिंग व्हेन यू डोंट राइट एनीथिंग बाय योरसेल्फ? विल टॉक अबाउट दिस लेटर, बट लेट्स कम टू द स्टेशनरी पार्ट. इट्स नॉट एट ऑल नेसेसरी टू हैव अ ब्यूटीफुल स्टेशनरी. मेरा केस थोड़ा सा अलग था. मुझे पढ़ने का तभी मन करता था जब मैं डेकोरेट करके पढ़ती थी. अब देखो, ऐसा नहीं कि जो बच्चे डेकोरेट करते हैं वो डेकोरेट करते ही रहते हैं, वो पढ़ते भी हैं. सो आई होप आई बस्टेड दिस मिथ. क्योंकि हमारा बोर्ड सेमेस्टर वाइज हुआ था तो हमारे 10 ईयर से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आए थे, बट इस बार आपके आने वाले हैं क्योंकि आपके सिंपल नॉर्मल बोर्ड्स जो होते हैं वो हो रहे हैं. नेक्स्ट मेजर डिस्कशन इज रिगार्डिंग द ट्यूशंस. मैंने छोटे से लेकर 10th क्लास तक कोई से भी ट्यूशंस अटेंड नहीं करे थे एक्सेप्ट फॉर कंप्यूटर्स, क्योंकि उसमें बहुत सारे लॉजिकल प्रोग्रामिंग्स थी. और अगर आप पूछोगे कि शुड आई टेक ट्यूशंस इन 10th क्लास, सो माय आंसर विल बी अ स्ट्रेट नो. द रीज़न इज सिंपल. देखो क्या है ना, तुम्हारे पास यूट्यूब आ चुका है, यूट्यूब में हर टाइप की वीडियो होती है, हर चैप्टर होता है, तो आप क्यों ना उससे पढ़ो रादर दैन गोइंग टू द ट्यूशंस एंड वेस्टिंग योर टाइम. और वैसे भी 10th क्लास होती बहुत ईजी है, तो आप खुद से पढ़ सकते हैं. इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ कंसिस्टेंसी कि आप टाइम पे पढ़ेंगे या नहीं. प्लस योर स्कूल टेक्स प्री बोर्ड्स एंड साइक्लिक्स अ नंबर ऑफ टाइम्स विच एनहांसेस योर अबिलिटी टू सॉल्व क्वेश्चन. अब बात आती है, मैंने आपको बता तो दिया नोट्स बनाने हैं, लेकिन कैसे बनाने हैं? स्मॉल स्मॉल बुकलेट्स में आपको छोटे छोटे पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे एंड यू विल बी इंक्लूडिंग योर वीकेस्ट सब्जेक्ट एज वेल. जैसे मेरा वीकेस्ट सब्जेक्ट कंप्यूटर्स रहा है, तो मैंने उसे अलग से बुकलेट बना रही थी. अब मैंने एक नोटबुक ऐसी फिक्स कर रखी थी जिसमें मैं सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट लिखती थी, बीट द फॉर्मूलाज, बीट सम क्वेश्चंस एंड बीट इवन द चैप्टर्स ऑफ बायोलॉजी केमिस्ट्री एंड सो ऑन. एंड मुझे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगते थे, मैं उनको अलग से पेपर में लिख देती थी. अब ये छोटी सी आपको बुकलेट दिख रही है, ये मेरी फर्स्ट सेमेस्टर की हिस्ट्री ही है. सो मैंने सारी डेट्स लिखी थी, इंपॉर्टेंट नेम्स लिखे थे, हेडिंग्स लिखी थी और जितना भी हो सकता था लिखा था. लेकिन मेरे हिसाब से MCQs मेरे लिए ज़्यादा टफ रहे हैं एज कम्पेयर टू सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, क्योंकि मेरा सेमेस्टर 1 उतना अच्छा नहीं गया जितना मेरा सेमेस्टर 2 गया था. अब जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर था हमारा, तो मैंने वो कभी बुक से रीड करा नहीं था एज सच. तो हमारी जो केमिस्ट्री की टीचर थी, उन्होंने हमें नोट्स लिखाए थे और मैंने थोड़े थोड़े नोट्स यूट्यूब से भी देख लिए, तो मैंने उनको ही प्रैक्टिस करे. एंड टू माय सरप्राइज, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुझे सबसे बेस्ट चैप्टर लगने लग गया. आई अटेंडेड ओनली वन ट्यूशन एंड दैट वॉज ऑफ कंप्यूटर्स. उसमें मैंने सारे प्रोग्राम्स कंपाइल करके लिख दिया एंड टू माई सरप्राइज टू प्रोग्राम्स, एग्जैक्ट सिमिलर टू प्रोग्राम्स केम इन द बोर्ड एग्जामिनेशन. अब बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की. इंग्लिश लिटरेचर में तो हमारे मार्क्स आ ही जाते हैं कैसे भी करके, बट टॉकिंग अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज, वो बहुत ही टफ सब्जेक्ट है. इन अ सेंस दैट हमारे जो ICSE बोर्ड्स होते हैं या फिर CBSE बोर्ड्स भी हैं, वो मार्क्स नहीं देते इंग्लिश में उतने. तो आपको क्या करना है, आपको हर दिन प्रैक्टिस करना है 5 प्रपोजिशन. अगर आप 1 डे में 5 प्रपोजिशन करेंगे तो 30 डेज में आप ऑफकोर्स 30 × 5 दैट इज़ 150 प्रपोजिशन कर लेंगे. और जब आप इंग्लिश को डेली यूज़ में लाओगे तभी आपकी प्रैक्टिसिंग स्किल्स अच्छी हो सकेगी. उसके लिए मैं आपको प्रेफर करूँगी कैमली ऐप. कैमली एक ऐसा ऐप है जो आपको 1-on-1 प्राइवेट इंग्लिश क्लासेस प्रोवाइड कराता है, जिसमें UK, कनाडा एंड USA के ट्यूटर्स आपके साथ इंटरेक्ट करते हैं. ये ऐप उन लोगों के लिए बेस्ट है जिनको लिखनी तो आती है इंग्लिश, बट कभी बोलने में उनको उतना कॉन्फिडेंस आता नहीं है. इसके अंदर प्रॉपर कोर्सेज हैं जैसे बिजनेस इंग्लिश, IELTS या फिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट. यहाँ के ट्यूटर्स बहुत फ्रेंडली और सपोर्टिव हैं, जो आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करते हैं बिना किसी जजमेंट के. ये मैं आपको खुद के एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ. जस्ट हैव अ लुक. The beginning of the internet. The internet is a fundamental piece of technology and one of the most important inventions of our time. Research began in the 1960s and by the early 1980s, an initial network, the fight between our friends can emerge from nowhere else. Yes. Like without any reason. Yeah, emerge from nothing. Right. Good. Next one. Initial.
Download the Cambly app, link is in the description box. And if you use this code MB29, you'll get a try before buy offer. You will get exclusive 15-minute trial class of ₹99 for just ₹29. It is valid only for 1 month, so link is in the description box. Download the Cambly app now. नेक्स्ट इज मैथ्स. आपको पहले फॉर्मूलाज लिख देना, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कर देना है. मैंने एक वीडियो बनाई थी स्ट्रैटेजी ऑफ मैथ्स की, तो उसमें मैंने बताया था आई कंप्लीटेड मैथ्स इन वन डे. मैं इसलिए कर पाई थी क्योंकि मैंने पहले से भी रिवाइज करा था और तब मैंने उस दिन एक दिन सारे चैप्टर्स कर लिए थे. एंड बहुत सारों ने बोला भी था कि इट इज़ नॉट इवन पॉसिबल, यू विल बी गेटिंग 18 आउट ऑफ 100 इफ़ यू डू लाइक दिस, बट आई स्कोर 98. सो एवरीवन हैव देयर ओन स्ट्रैटेजीज. मैथ्स में सबसे ज़्यादा स्कोरिंग ग्राफ्स होते हैं. लेट्स टेक एन एग्जांपल, लाइक वन ग्राफ इज ऑफ 4 मार्क्स और सेमेस्टर 2 में हमारे टोटल 4 ग्राफ्स थे, दैट इज़ आई गॉट 16 मार्क्स. एंड व्हेन आई रिसीव माय मार्क्स ऑफ मैथ्स आई वाज लाइक आर दीज माय मार्क्स. And if you don't know, then let me tell you that one day before every board examination, I used to teach every subject on YouTube live. Now, बहुत सारे बच्चे कहते थे आप खुद ही 10th के हो, दूसरों को क्या पढ़ाओगे. लेकिन हमें क्या करना है, हमें पॉजिटिव में ध्यान देना है एंड नेगेटिव में नहीं ध्यान देना है, ठीक है. तो अब मैं क्या बताना चाह रही हूँ, मैं दूसरों को पढ़ाती कैसे थी. देखो, मैं पहले खुद पढ़ती थी, उसको रिवाइज करती थी, उसके बाद ही मैं दूसरों को पढ़ा पाती थी. अब देखो, जब मैं दूसरों को पढ़ा रही हूँ तो मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं किसी दूसरे को समझाने के लिए, तो इनडायरेक्टली मेरी तो मदद हुई थी, साथ में उनकी भी जा रही थी. सो बोर्ड्स के टाइम आई हैड अ काइंड ऑफ प्रेशर कि मुझे अगले दिन पढ़ाना है तो मुझे अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, एंड विद इन अ टाइम पीरियड ऑफ वन डे ओनली, क्योंकि मुझे नेक्स्ट दिन ही पढ़ाना होता था. एंड मुश्किल से 2 या 3 दिन की छुट्टी मिलती थी हर पेपर के लिए. मेरा कंक्लूजन ये है कि आप पे जब तक प्रेशर नहीं बनेगा तब तक आप मेहनत बिल्कुल भी करना नहीं चाहोगे. तो आप ऐसा मत करो कि प्रेशर लगेगा तभी आप करोगे. आपको मतलब खुद से इतना कंसिस्टेंट होना चाहिए कि आपको अच्छी परसेंटेज लानी है तो आपको सब कुछ करना पड़ेगा, ऑल वॉट इट टेक्स टू अचीव इट. बट ऐसा भी नहीं है कि आप 24/7 पढ़ते ही रहो. यू कैन एन्जॉय विद योर फ्रेंड्स, यू कैन ट्रैवल एंड यू कैन डू मेनी मोर थिंग्स. अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एंड इट इज़ हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क. अब सब आपको बोलेंगे आपको स्मार्ट वर्क करना चाहिए, करना तो चाहिए लेकिन कैसे. फॉर एग्जाम्पल, आपने एक चैप्टर बिल्कुल भी अच्छे से नहीं पढ़ा है और नेक्स्ट आपका आता है वो चैप्टर जो आपने अच्छे से पढ़ा है, तो आप क्या करते हैं कि आप कभी कभी जो चैप्टर नहीं पढ़ा है आपने पूरे साल तक वो अभी पढ़ना शुरू करते हैं. बट आपने कभी क्या सोचा, अगर आप वो चैप्टर पढ़ेंगे जो आपने अच्छे से करा है तो आप उसमें और ज़्यादा अच्छा कर सकते हो और उसमें फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो. तो उस चैप्टर को आप थोड़ा सा रिवाइज़ कर सकते हो जो आपने बिल्कुल भी साल भर में नहीं पढ़ा है, लेकिन ज़्यादा फोकस आपको उस चैप्टर में देना है जो आपने पढ़ा है. और वैसे भी आपकी 10 बोर्ड्स में चॉइस वाले क्वेश्चंस होते हैं एंड वो डिपेंड करते हैं, वेरी करते हैं सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव 2 क्वेश्चंस एंड ईच कैरी 10 मार्क्स. अब पहले क्वेश्चन में मेरे आ गए 4 मार्क्स, ठीक है. मैंने उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा था लेकिन लास्ट मोमेंट में मैंने क्या करा, दूसरे चैप्टर को ले लिया जो मैंने साल भर नहीं पढ़ा था, और मैंने उस चैप्टर में ज़्यादा फोकस नहीं करा जो मैंने अच्छे से करा था, तो मेरे आ गए उसमें 8 मार्क्स. और दूसरा केस ये आता है, जो मेरा 10 मार्क्स का क्वेश्चन था मेरे उसमें 10 नंबर आए जस्ट बिकॉज मैंने उसी चैप्टर में फोकस करा क्योंकि मैंने साल भर वही पढ़ा था, और दूसरे चैप्टर मैंने ऐसे ही थोड़ा बहुत रिवाइज़ कर दिया तो उसमें 4 मार्क्स. सो माई टोटल विल बी 14 मार्क्स. एंड लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि एवरीवन हैव देयर ओन स्ट्रैटेजीज एंड इट डिपेंड्स अपॉन यू हाउ यू यूज देम. सो दीज आर माई सिंपल येट इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज एंड आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो. एंड या सब्सक्राइब टू माई चैनल. बाय.